ज़्यादा गर्मी है। वेलकम बैक टू सिंपली शैडो। तो दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ, और किस लिए तैयार हो गई हूँ, मैं आज अकेले जाने वाली हूँ जगदलपुर। आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे, बच्चे नहीं जा रहे, मैं अकेले जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है, तो आज उन दोनों को छोड़ के जा रही हूँ। तो मैं क्या क्या करती हूँ, बहुत सारे मस्ती करूँगी अकेले जाने के जाने से, अकेले जाके बहुत ज़्यादा मस्ती करूँगी, और जल्दी जल्दी तैयार भी हो गई हूँ आज। मैं लेट भी नहीं हूँ लाइफ में, फर्स्ट टाइम बस के लिए वेट कर रही हूँ, तो वीडियो देखते रहना, बहुत मज़ा आए। मैं जा रही हूँ बाहर, लेकिन देखो रूम में हो रहा है किसी पार्टी, चिल्ड्रन पार्टी, बच्चा पार्टी हो रहा है, सारे बच्चे हैं इधर, और ये भी आज मेरा हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा बिजी है बच्चों के साथ, आज बेबी सिटिंग करने वाला है, और मैं जा रही हूँ मस्ती करने। ये तो मैं अभी जल्दी जल्दी निकल रही हूँ, बस आ गया है, रेडी हो गए। तो बिना लेट किए जल्दी जल्दी जाइए, सारा रील्स देखिए, वीडियो देखिए, बहुत ही फन हुआ है, आई होप अच्छा लगेगा। अच्छे से रहना, बाय सोना। बस में बस बैठने ही वाले थे, लेकिन तब 204 से हर घर तिरंगा रैली स्टार्ट हो चुका है, तो ये रैली ख़त्म होने के बाद ही हम लोग जाएंगे। तो रैली ख़त्म हो गया है, तो अभी जाके बस में बैठ जाएंगे। बस में बैठ रहे थे, लेकिन तब इतना अच्छा हवा चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मौसम बहुत अच्छा है आज का, पता नहीं जगदलपुर में क्या होगा। तो अभी बस इधर थोड़ी देर के लिए खड़ा है, क्योंकि रैली सामने से निकल रहा है, और उसके बाद बस स्टार्ट हो जाएगा। रास्ते में शिव जी का इतना अच्छा एक मूर्त दिखाई दिया, जो मैं पहले कभी नोटिस नहीं किया, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अम्ब्रेला भी नहीं लाई, कैंप का वेदर इतना अच्छा था तो लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा गर्मी होगा। तो चलिए शॉपिंग करते हैं, क्या क्या खरीदते हैं दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं गई कॉस्मेटिक शॉप में, क्योंकि सब्जी और जितना इम्पोर्टेंट सामान है वो सब खरीदारी करने के बाद खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए सबसे पहले मैं ज्वेलरी शॉप गई, कॉस्मेटिक की दुकान में गई, उसके बाद खरीदारी करने के बाद मैं जाऊँगी पूजा का सामान लेने के लिए। कितना सुंदर है देखिए। तो फाइनली अभी पूजा के सामान लेना है मुझे। नहीं लेस चाहिए, कितने का है ये? 60। इतनी प्यारी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल चूड़ी सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीस में था, तो मुझे लेस लेना था, इसलिए मैं लेस देखने के लिए जा रही थी। लेकिन मुझे लेस कहीं नहीं मिल रहा था, तो फाइनली एक दुकान पे मिला, तो उसमें दुकान में कोई लेडी नहीं थी, कोई दुकानदार नहीं था, तो फिर मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ तो इसमें मस्ती कर लेती हूँ। तो फाइनली मुझे मेरे साथ है मेरी प्यारी सी सिस्टर और उसकी बेटी, विशाल भी जा रहे हैं हम लोग। आजकल विशाल में इतना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ज़्यादा क्राउड होता है, क्या बताएं, घंटों लग जाता है बिलिंग में, पहले इतना ज़्यादा नहीं था। देखिए दिखा देती हूँ गाड़ी के अंदर से ही, और सामान भी मतलब बहुत सारे कलेक्शन है, तो उसमें से मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं कैसी लग रही हूँ बताना मुझे कमेंट्स में। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम किया। और सारा कपड़ा दीदी के पास से, दीदी के पास से सारा कपड़ा। और हम लोग कट वगैरह कुछ नहीं लिए है, और फोटो के कैमरे के सामने जरा खड़े होकर पोस्ट मार रहे हैं हम लोग। विनी नहीं, सर मेरे गलत मुँह से विनी निकल जाती है। लकी प्रीति, प्रीति वही तो मैं बोल रही हूँ, लकी मजे से खा रही है। सीआर पे बोला ज्यादा है, कोपरा वाला पहले नहीं आता था दीदी इधर, इतना ज्यादा लोग इधर नहीं था आता था पहले, एकदम खाली खाली सामान भी उतना ज़्यादा नहीं रहता था पहले, भीड़ है, पूरा भीड़ है, भीड़ है। कुछ बाहर घूमने आओ और खुद को एक टेस्टी डिजर्ट ट्रीट ना दो तो कैसे चलेगा। तो हम लोग साथ मिलके खा रहे हैं कुल्फी, जो काफ़ी मजे था, मज़ेदार था, जो कॉर्नेटो वगैरह तो खाते ही रहते, लेकिन स्ट्रीट वाला कुल्फी का बात ही कुछ अलग है।
और उसके बाद फाइनली श्री बजरंगबली जी के साथ थोड़ा सा वीडियो बनाया। इतना बड़ा बजरंगबली का स्टैचू मैं पीछे से आगे से अच्छे से दिखा देती हूँ। तो अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो हमें हम लोग बस निकल रहा है, कैंप की तरफ जा रहे हैं हम लोग। लेकिन मैं जब भी बस में आती हूँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आज बस में क्या हुआ, आज बस में जब बैठे थे तो एक भैया वो अपना सामान छोड़ के आ गए थे, भूल के आ गए थे। फिर से बस वापस गया और आधा घंटा और लेट हो गया। और रास्ते पे बारिश हो गया, बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा गाना चल रहा था, लेकिन बीच बीच में बारिश था, बीच बीच में बारिश नहीं था। तो फाइनली इतना फन करने के बाद मैं घर पहुँच गई। इधर है पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे, सो रहे होंगे या क्या। आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। गेट तो खुला है, गेट तो ऑन है, अभी देखते हैं वो लोगों का हालत क्या है। अच्छा दोनों ही सो रहे हैं, तो गाइस दोनों सो रहे हैं, तो उन लोगों को अभी नहीं जगाऊंगी, जल्दी से मैं फ्रेश हो जाऊंगी, खाना खा लूंगी। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, देखते रहिएगा सिंपली शैडो। बाय।